lecture will be by Ma'am Bathool. She will tell you about the Montessori directress, the importance of the directress, the role of the directress, what is the ideal directress. And as you know, this is one of the three, among the three basic factors, one is the directress. So, Ma'am Bathool. Disciplined freedom, okay, and there the role of the directress comes.
So you never underestimate yourself being a directress, because के environment तो है, मेरी क्या जरूरत, मैंने prepare कर दी, चलो environment अब मेरी क्या जरूरत रहेगी, बच्चे को मैंने link कर दिया material से. No, there again is the importance of directress or the adult in the environment, and that's what today we are going to discuss. So basically, if we look into the Montessori system as it comprises of the three elements, the Montessori directress has to know the child first, prepare the environment according to the need of the child, and then what I have just discussed, आपने बच्चे की साइकिक नीड्स हर चीजों को पहचान लिया, ठीक है, फिर आपने एनवायरमेंट भी क्रिएट कर दिया. द मोस्ट एसेंशियल यही चीज लैकिंग है, बिलीव करो, मैंने जितनी ऑब्जर्वेशन की है इसी चीज की लैकिंग है. अभी जो हमारे पास आ रही है लैकिंग, क्यों नहीं इतनी मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स ट्रेन हो रही है पहले के मुकाबले में, क्यों नहीं आ रहा वो रिजल्ट हमारे पास. मॉन्टेसरी एनवायरमेंट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं, चीजें खरीद के दे देते हैं अनाग्रह में, ठीक है, बच्चे वहां पर हैं, डायरेक्टर्स ने भी प्रिपेयर कर दी एनवायरमेंट, व्हाट इज लैकिंग देयर. They are knowing it because आपकी तरह वो ट्रेनिंग लेकर जा रही होती है. साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट बच्चों की, एब्डोमिन, माइंड, सेंसिटिव फीलियर, दे नो इट. दे नॉट गिव द फ्रीडम टू द चाइल्ड. दे माइट बी गिविंग. दे आर नॉट ऑब्जर्विंग. ऑब्जर्वेशन, द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज सो मच इम्पॉर्टेंट, एंड दैट इज रियली वॉट इज लैकिंग हियर इन द सिस्टम, एट लीस्ट इन पाकिस्तान. We are not observing because why do we need to observe them? That what they are doing and what in their mind. Yes, because that's how you come to know कि कौन सा बच्चे के अभी कौन से sensitive periods peak पे है, language का है, refinement of senses का है, tiny objects का है. So accordingly you give the presentations, you give the introduce different material to the child. If you are just following blindly, at the age of 3 ये present करना है, 3.5 में ये present करना है, not observing the child and not knowing कि बच्चे को, इस special बच्चे को, in the Montessori system every individual child is important. In the typical school system, what is the system? The whole class system equal is equal. All the children are treated equally. किसी की जो है इक्वली ट्रीट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके मेंटल एबिलिटीज को, उनकी फिजिकल एबिलिटीज को सबको एक जैसा समझना, दैट इज रॉन्ग. दे आर नॉट रोबोट्स, दे आर ह्यूमन बींग्स. हर की अपनी स्पेशल क्वालिटीज, हर की अपने स्पेशल इमोशंस हैं. किसी की कोई चीज ज्यादा अच्छी होगी, किसी की कोई चीज लैकिंग होगी. यू द डायरेक्टर्स शुड हैव द आर्ट टू ऑब्जर्व इट एंड गाइड द चाइल्ड अकॉर्डिंगली. And that is how the directors, the Mari Montessori named the teacher, the new teacher, as directors. Why? Because she is directing, not teaching the child. Directing the potentials of the child, the capabilities of the child, because the normal, ordinary teacher is actually just pouring the knowledge inside the mind. सिलेबस कंप्लीट करना है, मार्क्स का ये करिकुलम आया है, ये सिलेबस आया है, इसे कंप्लीट करना है, इतना रटाना है, इतना टेस्ट लेना है. दे आर जस्ट जजिंग द चिल्ड्रेन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दोस एक्टिविटीज. हाँ, इतना काम इस बच्चे ने कम्प्लीट कर लिया, इसका इतना इनकम्प्लीट है, इसने टेस्ट में इतने स्कोर किए हैं, ओरल में इतना किया है, राइटिंग में इतना किया है, इसकी राइटिंग ऐसी है एंड वैसी है, एंड दैट्स ऑल. एंड व्हाट्स द मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स ऑफ चिल्ड्रन? अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ चाइल्ड. एंड व्हाट इज द डायरेक्टर्स जजिंग? इन व्हिच स्टेज द किड इज एट द मोमेंट. स्टेज किस चीज में? पीरियड. दे आर नॉट जजिंग, दे आर ऑब्जर्विंग इट, बट जजिंग द नॉर्मलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड. कितना मेरा बच्चा नॉर्मलाइज हो गया है, इसको कितनी मजीद हेल्प की जरूरत है. देन दे आर डेफिनेटली कम्स द क्वालिटीज ऑफ नॉर्मलाइजेशन. आप लोग वो लेक्चर हो चुका होगा, डिविजन एंड नॉर्मलिटी या होने वाला होगा, ठीक है. सो दैट इज वॉट द डायरेक्टर इज, एंड नॉर्मलाइजेशन इज बेसिकली वॉट? दैट द मेंटल एंड फिजिकल some coordination between them. They have the control on their mind and the चीज आप चेक करते हो, बट बेसिक नॉर्मलाइजेशन इज द ओवरऑल पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ द चाइल्ड. उसका मेंटल, सोशल, फिजिकल, एवरीथिंग यूनाइटेड एज अ होल, देन इफ द चाइल्ड कम्स आउट एज अ नॉर्मलाइज बींग. नॉर्मल एंड नॉर्मलाइज में बहुत गल्फ ऑफ डिफरेंस है, उसको मिक्सअप मत कीजिएगा. ओके, सो बेसिकली वेन वी टॉक अबाउट मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स,
according to Maya Montessori, the directress is not a normal ordinary teacher. So the training of the directress is totally different from that of टीचर्स ट्रेनिंग. अगर किसी और टाइप की आप लोगों ने कभी टीचर्स ट्रेनिंग ली हो, यू मस्ट हैव द आइडिया किस चीज की ट्रेनिंग होती है. इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग, उर्दू की, मैथ्स की, साइंस, हाउ टू इंट्रोड्यूस साइंस, इन चीजों की ट्रेनिंग होती है. उन्हें चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं बता रहे होते, चाइल्ड की नीड्स अकॉर्डिंग टू द एज एंड डिमांड्स नहीं बता रहे होते, उनको किस तरीके से उनके साथ गुफ्तगू करना है, आपको हाउ टू फील इनसाइड योर सेल्फ. दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ऑर्डिनरी नॉर्मल टीचर्स, बट इट इज अ वेरी मच पार्ट ऑफ becoming a Montessori directress. Because the role of Montessori directress, for me, it is a jihad. Why? Because you are shaping the future. आपके हाथ में या future आप कैसे shape करते हो, it is up to you. It is up to the parents, it is up to the directress or the teachers, how they shape the future. फिर या तो वो आप खुश होते हैं या तो फिर आप सब पीटते हैं. But design आपने खुद किया होता है. ठीक है. सो बेसिकली द प्रिपरेशन ऑफ मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स इज थ्री फोल्ड. इट रिक्वायर्स फिजिकल प्रिपरेशन, इट रिक्वायर्स इंटेलेक्चुअल प्रिपरेशन, एंड इट रिक्वायर्स स्पिरिचुअल प्रिपरेशन. इफ यू लुक इनटू इट, इट इज जस्ट गोइंग टू कवर अप द होल पर्सनालिटी ऑफ द डायरेक्टर्स. स्पिरिचुअल में साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी आ जाते हैं, इमोशनल एस्पेक्ट भी आ गए, फिजिकल भी हो गया, इंटेलेक्चुअल कोई और पर्सनैलिटी का एस्पेक्ट बचा. So it means the whole personality of the directress should feel it. Agar aap sirf physical robot, I always tell my students ki agar sirf presentation seekhna hai to ye to robot ko sikha de bahut perfect karega. Uske chip ko aap sirf training de de kaise jab hold karna hai, kaise fold karna hai, finger kab lana hai, wo humse zyada insano se zyada behtar karega. So why don't we at least hum nahi to at least advancement piece ko nahi robot rakh leti teachers ko. Why? स्पिरिचुअल एस्पेक्ट वहां से आएगा नहीं आ सकता, एंड दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. ओके, सो इफ यू स्टार्ट विद द फिजिकल एस्पेक्ट, आप बताओ क्या क्वालिटी हो सकती है. बिल्कुल ओवरऑल नीट, क्लीन, टाइडी, वेल ड्रेस्ड, स्पेशली अकॉर्डिंग टू द कल्चर. अगर आप ड्रेस्ड अप हो, आप जिस भी सोसाइटी से, जिस भी कल्चर से बैकग्राउंड से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन विद द चिल्ड्रन आप उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करो. फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न कंट्रीज में दे डोंट अलाउ यू टू वेयर शलवार कमीज. सो लेकिन हमारा कल्चर कुछ मिक्सअप भी हो गया है, उसके बारे में मैं अभी मजीद बात नहीं करना चाहूंगी क्योंकि माई टॉपिक इज मोर एसेंशियल. सो यू हैव टू ड्रेस अप इन पर्टिकुलर ड्रेस कोड. आप बिकॉज व्हाट इज द एम हियर, द होम, द मॉन्टेसरी एनवायरमेंट शुड बी द एक्सटेंशन ऑफ होम. तो हर चीज से बच्चा रिलेट कर सके. द मटीरियल आउट देयर ऑल्सो कल्चरल ऑब्जेक्ट्स हम रखते हैं. कोई जी फ्रांस से मंगाया है मैंने ये जम, वो टूट गया तो वापस मिल ही नहीं रहा, और बच्चा भी देख के उसमें ही घूम गया, एक्टिविटी छोड़ दी. फ्रांस का जगह कैसा है, उसकी इंट्रिकेट डिजाइन के अंदर ही घूम गया. पर्पज ये नहीं था, पर्पज एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना था. सो अकॉर्डिंग टू कल्चर, जिस चीज को वो देख रहा है, रिलेट कर रहा है, तो आपका खुद का बीइंग भी ऐसा होना चाहिए जिससे वो रिलेट कर सके. इट डजंट मीन कि अगर आपके ओवरऑल माशरे में लोग चिल्लाते हैं, बदतमीजी करते हैं, झपटते हैं, आप भी वो शुरू कर दें क्योंकि कल्चर का ऐसा है. इज इट सो? तो वो थोड़ा सा कॉमन सेंस रखते हुए, बिकॉज हमारा माशरा ऐसा हो रहा है. ठीक है. सो वो क्वालिटीज नहीं, अगेन द आइडियल क्वालिटीज विच यू वॉन्ट टू इम्पार्ट इन द चाइल्ड. ओके, एक चीज हो गई. व्हाट एल्स? अभी एक बात आई थी आगे से, वॉकिंग स्टाइल, द पोस्चर, द वे ऑफ टॉकिंग, शक्ल बना रही है गुस्से में, आई लव यू बेटा, कर रही होती टीचर्स, क्योंकि उनको अलाउ नहीं है मारना. यूं हाथ से, हाथ शोल्डर्स पे यूं कर दबाती है, बेटा आओ ना, मैं तुम्हारा ये प्रेजेंट कर दूं. यहां से मैसेज और दे रही है, लैंग्वेज से और दे रही है. तो जो वट एवर यू आर फीलिंग, इट डेफिनेटली ट्रांसफर्स टू द चाइल्ड. सो अगेन द इमोशन, इट इज नॉट सिंपली इमोशन, इट इज नॉट सिंपली अ सेंटिमेंट. द लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द चाइल्ड शुड कम फ्रॉम इनसाइड. वो हमारे फिजिकल गेस्चर्स में शो हो जाता है.
एडल्ट को भी शो हो जाता है, लेकिन बच्चे इतने ट्रू, इतने पाक और प्योर होते हैं, वो एडल्ट से ज्यादा आपके बॉडी लैंग्वेज से आपको रीड आउट कर लेते हैं. यू कैन नेवर हाइड योर सेल्फ, एडल्ट से आप हाइड कर सकते हैं इमोशन, यू कैन नेवर हाइड इट फ्रॉम चिल्ड्रन, बट थैंक्स गॉड बच्चे इतने ज्यादा फॉरगिविंग होते हैं, इतने ज्यादा. अभी आपने इनको यूं मुझकर पकड़ा होता है, दो मिनट बाद आप दिल से मोहब्बत से बात करें, भूल जाए. एवरीथिंग शी कीप्स एवरीथिंग रेडी. आप जैसे उठते हो उसे पता होता है टाइमिंग कि अभी ये पानी पिएगी, मैं पानी लेकर दे दूं, और ये फिर चाय मैं गर्म चढ़ा दूं, मैं ऑमलेट हर चीज बीट किया रखा होता है जी. शी पुट्स इट इन द फ्राई पैन एंड फ्राई इट एंड सर्व इट द मोमेंट यू कम. कि वैसे अगर आपको हॉट हॉट चाहिए तो आपको हॉट हॉट देती है, अगर आपको जरा ठंडा चाहिए तो कुछ मिनट पहले फ्राई करती है. Same like a servant, the Montessori directress is ready, waiting for the child. कि जिस चीज की जरूरत हो, अभी इस चीज का sensitive period से अभी बच्चा ये चीज show कर रहा है, through her observation she notices and present those activities. If sensitive period for refinement of senses it starts, she notices, she observes it. What is she going to do? She started presenting exercises of sensorial. When she observes the child's mind is towards calculating, he is more he has developed the concentration power, usko understanding aa rahi hai sensorial activities ki, so then it means it is the time for introducing maths. She is reading the child, not only the age of the child but directly observing each and individual child, and that is why Montessori directors प्लान फॉर ईच इंडिविजुअल चाइल्ड. जब आप लेटर ऑन प्लानिंग करेंगे स्कूलों में, अरे मेरी बहुओं ने सारा चैनल बना दिया, मुझे दुखों से सारा चैनल है, मुझे भी बना दिया. ये बुढ़ी को लोग देख के कहेंगे क्या बुढ़ी गोड़ी लाल लगा, मगर एक बहू मेरी बड़ी अच्छी है. अरे मिलवाती हूँ अच्छी बहू, अच्छी बहू. आई मेरी प्यारी प्यारी, आई वो तू क्या पढ़ रही है, लंदन मॉन्टगोमरी नहीं, क्या क्या अभिजान मॉन्टगोमरी नहीं, लंदन मॉन्टेसरी. आए हाय चन्ना जीती रह तू, जन जीती रह तू. इसकी बच्ची भी बड़ी अच्छी है, आई मुन गमरी में बड़ी है वो भी, आई हाय आई मुन्नी, आई मुन्नी. अरे आजकल बच्चों के नाम ऐसे होंगे, जमा पड़ने वाले तुमने बनाया. आई मेरी बच्ची आ गए, हाँ मेरी बच्ची का आई है मेरी हाल मेरी बच्ची. आज वो भी आने का टाइम हुआ है, रोज आवे मगर आज नहीं आया है. आज तो अच्छी बहू तारा देख कौन है, मैं अनपढ़ जाहिल अगर हिसाब करने वाली होती मेरी बेटी तो यहाँ होती पांचवारी होती. अम्मी जान कर ले बच्ची, अम्मी जान मुझे स्कूल जाना है, देर हो रही है, मैं बड़ी भाई भाभी से कह दूँ. बुला उस सितारा चैनल को बुला. तो तेरी लटके झटके ना खत्म हुए आज तक, शादी मुझे तंग कर दिया, इसका हिसाब कर दे, मुझे नहीं आता. अच्छी बहू से कह दे मेरा वोट जी आ रहे हैं. अरे उसको पढ़ने जाना है, अरे निगोड़ मारे चुप चुप. हाय हाय अब मैं क्या जाहिल, मैं क्या इसका हिसाब करूं. दादी दादी आप परेशान हैं? अरे देख नहीं रही तू, देख नहीं रही बच्ची तू, बेइज्जती हो रही है मेरी पढ़ी लिखी की. कैसे हिसाब करूं इसका, मैं करूं, मैं मुझे आता है, मेरे मॉन्टेसरी स्कूल में सिखाया था. अरे चुप करेगी, अरे बच्ची तू कर लेगी. हाँ जल्दी कर, कितने कपड़े लाया भाई, कर लो अम्मा. अरे कितने कपड़े लाया बता इसको. अम्मा मैं 55 पूरे कपड़े लेके आया हूँ. दादी जान के तो 40 है. अरे 40 क्या हो गए हैं, 40 40 क्या 55 के नीचे हो गए जी दादी जान. तू मुझको बना रही है? अरे नहीं अम्मा फर्स्ट बातें कर रही हो. अरे मेरी बच्ची बड़ी लिखती है, हिसाब करेगी. कितना लेता है तू एक कपड़े के, कितना लेता है? 5 रुपए लेता हूँ अम्मा मैं. कितने हुए बेटी तू गिन, चाय कितने
कितना पैसा चाहिए तेरे को? 500 रुपए दे दो दादी जान, 200 हो गए। 200 रुपए 500 मांग लिया है मुझसे। ये पकड़, निकल ले, कट ले यहाँ से। आंगन आई हो मेरे घर Next group, counting linearly and geometrical shapes. Group number 17. Well, good afternoon. Our topic is counting linearly and recognizing the geometrical shapes. My fellow friends are going to present our activity. Naushin as a mother, Anam as a child, and Neeraj her friend. Mother is washing the crockery. Anam is the child and helping her mother. Meerak is the friend. She visits to Anam's place and asking. Hello. I'm fine. How are you? Anam, who is a Montessorian, and Meerak, who is a friend, she is a non-Montessorian. And she don't know the shapes, and Anam is going to tell her some shapes related to household environment. What are you doing? I'm helping my mother. What are you doing? Sure. Can you tell me what shape is this? No. You don't know? No. You're not going to Montessori? Montessori? No. Oh. This is circle. It's round. It's don't have any corner. Circle. Yeah, this is square. Its four sides are equal. This is rectangle. See, this is oval. Oh, you can look. See? Yes. Come to my place tomorrow. I'll take you to my Montessori. That will help you more. Oh, I get to learn more shapes. Yes. Okay, Mama, we are going to play. Okay. There is the child counting linearly and recognizing the geometrical shape as well, and the age is 3 to 4 years. Thank you. Okay, group number 40. 2 minutes. 2 minutes, 45 seconds. Elements stand from 40. Big hand to all of person who have attended. We have to work on this come and perform. This is a very good thing. And I want all of you to be settled down. मैं फिर वही बात करूंगी. वी आर नॉट टेलिंग यू एनीथिंग दैट इज नॉट एग्जिस्ट इन आवर वर्ल्ड. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर वर्ल्ड. वी आर टॉकिंग अबाउट आवर वर्ल्ड. वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल. यू पीपल आर हैविंग गेटिंग द इन्फॉर्मेशन राइट नाउ. यू फील दैट द एजुकेशन इज ओनली द थिंग टू रीड, to recite and to learn. It's not like that. ये possible ही नहीं है कि सिर्फ पढ़ के आप educate हो जाए. Unless and until whatever the information, तबलीग, preach, एलाना,
अजाली नजील तारा ना कर कॉलेज लॉ वाले सब ने फरमाया कि इल्म बांटने से बढ़ता है. When you people are here, when you gather here, heard something, अब आपने सुन लिया, now go and float this information instead of talking with each other in a negative way. सवाल ये है कि कैसे उन मदर्स तक ये पैगाम पहुंचेगा जो कि यहाँ पर एक बंद कमरे में हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट वी आर हैविंग. बात ये कि हम जब एक दूसरे से बात करते हैं तो वो भी अमानत है, वो भी हमारा सत्ता है. व्हाट वी आर टॉकिंग, हम किसी के ब्रेन में क्या डाल रहे हैं, नेगेटिविटी. अगर वो तुम्हें ऐसे कह रही थी, उन्होंने यू बोला, उन्होंने यू कहा, ये देखा ना तुमने वो कैसे चल रही थी. इंस्टेड ऑफ दैट हम एक मिनट भी अपना फर्ज समझ के जो कुछ हम सीख रहे हैं यहां पर, नो मैटर व्हाट द पीपल आर थिंकिंग, क्या होगा, नेगेटिव कहेंगे. न जाने हम कितनी नेगेटिविटी सुनते हैं. वी आर कीप लिसनिंग दैट नेगेटिविटी. यस, सो व्हाट एवर we are listening right now, it's our duty, it's our responsibility to pass on this information, to float this information as long as we can. As many times repeat this message to everyone, each member of the society as much we can. ये एक हमारी religious responsibility है. Counseling is very important. Instead of talking with each other in a negative way, हम एक दूसरे को अच्छी बातें भी तो बता सकते हैं, बट वी डू नॉट वॉन्ट टू शेयर दिस, क्योंकि हमें मजा नहीं आ रहा होता. हमें अच्छी बातें करने में मजा ही नहीं आ रहा होता, मजा तो चटपटी बातों में, तो फिर ये कैसे फैलेगा. किसी चीज की भी फैलाने के लिए क्या चीज जरूरी है, समवन नीड्स टू स्प्रेड इट बाय द लैंग्वेज, बाय द टंग. वेन यू नॉट यूज योर टंग इन अ पॉजिटिव वे, वेन यू नॉट यूज योर टंग टू स्प्रेड द नॉलेज information to others, how it is going to be flowed. Immediately after assalamu alaikum, what people you start talking, do we ever discuss in a positive way our society problem? We always criticize, point out towards the negativity, towards the darkness, but never give any solution. After a long speech, if we ask any solution, chodo baba hamara kaam thodi hai, koi aayega, ab to nabi bhi nahi aayenge koi. तो हम अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं कि मैं भी उस कौम की हालत नहीं संवारता जो अपने हाल खुद ना संवारना चाहे. मैं बार बार ये चीज कहती हूँ कि कोई तावीज नहीं है कि आपने यहाँ यू यूज टू कम 15 डेज ओवर हियर एंड वी जस्ट डिसॉल्व दैट तावीज इन अ पॉट एंड जस्ट गिव यू टू ड्रिंक एंड यू बिकम नॉलेजेबल. नो, नॉट एट ऑल. यू कैन नॉट बिकम नॉलेजेबल एंड एबल टू गेट दैट इंप्रेशन which we want to deliver to you unless until you put your sincerity towards it. You do not, or believe, dua bhi jab tak yaqeen aur itiqad nahi ho asar nahi karti. Ye to ek system hai,